हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फ्रॉम आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आइए अपनी इस वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं और इस चैप्टर को हम समझते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर था रियल नंबर्स, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जाना था कि रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बनी थी वह क्या थी, a बराबर बी क्यूब प्लस का r। इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि r कैन हैव वैल्यू इक्वल टू जीरो और मोर देन जीरो बट लेस देन b, जिसमें कि q और r क्या है, यूनिक इंटीजर्स होंगे और a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है बुक के अकॉर्डिंग वह दे रखा है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, क्या शो करना है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज इन द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 2q, और जो ऑड होगा वह किस फॉर्म में होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस का 1। इस फॉर्म में यह नंबर रखे लिखे जाएंगे, जहां पर कि क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। बेसिकली इस बात को समझते हैं कि यह क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद में आते हैं हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है या कि क्या हमें सोल्यूशन लिखना है और एग्जाम के पर्पज से हमें इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा या 9 लिखा या 10 लिखा या 11 या 12, तो सबसे पहली बात, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल। अब इसमें कुछ इवन है कुछ ऑड है, तो ये देखिए ये इवन है। कहता है कि क्या हम इन नंबरों को किस फॉर्म में लिख के दिखाना, मैं 2q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, जिसमें क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू कैन हैव एनी वैल्यू बट क्या होना चाहिए, वह पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए 8 की बात करें, क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 4 अगर पॉजिटिव है और इवन भी है, क्या 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5, 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 6। तो यही चीज़ कहता है कि इसे हमें शो करके दिखाना है कि हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर हमने नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो हम बिल्कुल लिख के दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा है तो हमारा आंसर भी स्टेटमेंट की फॉर्म में ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑड की बात करें तो देखिए 9 भी ऑड है और 11 भी ऑड है, क्योंकि यहाँ पर 2q लिखा है, इसका मतलब 2 से हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम इस 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 2 × 4 = 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 + 1। तो यह क्या हो गया, देखिए यह हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करा और इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया। वहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो 2 × 5 + 1, क्या मुझे बताइए यहाँ पर कभी भी 2 आ सकता है, कोई भी नंबर लिख लीजिए और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा, यानी रिमाइंडर या तो 0 रहा होगा या फिर 1 रहा होगा। तो यही हमने समझा था कि जब हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वह इस 2 से छोटी होगी, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 2 के बराबर कभी भी नहीं आएगी, वही हमने यहाँ पर देख लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हमें देखना है कि डिवीजन हो किस तरह, यानी कि 2 से हमें डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो अब हम उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू की बात करी, तो देखिए मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ से पिकअप कर ली, एंड बी की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में 2 यहाँ पर मैंसनड है, इसलिए हम यहाँ पर बी की वैल्यू को 2 ही ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 से ही डिवाइड करा है। देन मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो देखिए स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्या आएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर सच डैट, तो क्यू और आर किस तरीके से होंगे, सच डैट ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, वेयर b की वैल्यू हमारी 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस का r, एंड हमें यहाँ पर यह भी पता है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी और या इक्वल हो सकती है लेकिन लेस देन b होगी, सो r कैन हैव वैल्यू r
कैन हैव वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो जीरो होगी और या फिर आर की वैल्यू वन होगी। देयर फोर ए बराबर क्या हो जाएगा, टू क्यू प्लस का जीरो यानी कि टू क्यू रह जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, टू क्यू प्लस का वन हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बराबर टू क्यू, यदि ए टू क्यू के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये किसका मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है, और टू का मल्टीपल यानी कि ये टू से डिवाइड भी हो जाएगा, तो यानी कि यह क्या हुआ, देन ए इज एन इवन इंटीजर, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, इवन इंटीजर्स की कैटेगरी में आएगा। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर बताया, सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए क्या हो गया हमारा, इवन इंटीजर हो गया। और हम जानते हैं कि यदि इंटीजर टू क्यू वाला इवन हो गया तो इंटीजर और कौन सा बच गया, ऑड बच गया, सो ए बराबर टू क्यू प्लस वन बी इज ऑफ द फॉर्म, तो यह किस फॉर्म का होगा, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहां पर नंबर जो ऑड थे इसके अलावा, सॉरी इवन जो नंबर आए थे इसके अलावा जो भी बच गए वो ऑड हो गए थे, तो इस तरीके से हमें यहां पर रिप्रेजेंट करके लिख देना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एग्जाम्पल नंबर टू है। देखिए मेरे पास जो पब्लिकेशन है वह थोड़ा पुराना एडिशन है, तो इससे ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस इधर के उधर हो जाएंगे, क्वेश्चंस भले ही कुछ भी हो लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम ही रहेगा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन से ज़्यादा उनके कंसेप्ट को समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में शो करके हमें दिखाना है। तो बेसिकली अब हम किसी भी नंबर को जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, 3 से। अब मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब देखिए हमें इसे 3 से डिवाइड करना है। ये सारी वैल्यू को हम पहले रफली, मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगर मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 3 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 × 2, 6 + 2, 3 × 3 + 0, 3 × 3 + 1, 3 × 3 + 2, 3 × 4 + 0, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2। अब हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर की बात हो रही है, जब हमने यहाँ पर b की वैल्यू को 3 लिखा है तो r की वैल्यू देखिए 0 हो सकती है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, क्या 3 आएगी, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पुराने क्वेश्चन की तरह से, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ही हमें इसे लिखना है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b बराबर 3, सो बाय अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा देर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो यूनिक इंटीजर्स कौन से होंगे, यूनिक इंटीजर्स q एंड r। अब देखिए यूनिक क्यों है, क्योंकि देखिए हर एक केस में Q और R की वैल्यू अलग अलग ही आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि किसी केस में सेम आ रही हो, बिल्कुल भी सेम नहीं आएगी। सो A बराबर बी क्यू प्लस का R, तो A बराबर 3Q प्लस का R, और R कैन हैव वैल्यू 0, 1, 2, 3 क्या हम लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमेशा R की वैल्यू 3 B से छोटी ही रहेगी। देयरफॉर A बराबर 3Q, 3Q प्लस का 1 और a बराबर 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q, यानी कि q की इनमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें यहाँ पर इसी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बतानी थी। तो देखिए किस तरीके से नंबर की फॉर्म में हम कैसे समझेंगे और इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लिखना है, तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा और इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कहता है कि सो कीजिए कि जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में होंगे। अगर सपोज इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया जाए, तो हमें क्या करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी हैव वैल्यू 4, बी की वैल्यू देखिए 4 हो जाएगी, तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसे समझें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब देखिए अगर मैं इसे 4 से करता हूँ डिवाइड तो क्या आएगा, 4 × 2, 8 + 0, 4 × 2 + 1, 4 × 2 + 2, 4 × 2 + 3, 4 × 3 + 0, 4 × 3 + 1 एंड 4 × 3 + 2। अब यदि b की वैल्यू 4 है तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 में से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे
वह सिर्फ इसी फॉर्म वाले नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन वाले होंगे। यानी कि यदि अगर मैं इनमें से सर्कल करूं तो देखिए यह रिप्रेजेंटेशन और यह वाली रिप्रेजेंटेशन, अगेन वन वाली और इसके बाद जो नंबर आएंगे थ्री वाली, तो यही नंबर सिर्फ ऑड होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यही ऑड है, बाकी सारे इवन है, तो हमें यही चीज़ को स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लिखा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर फोर, सो बाय अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए बराबर अगर बी क्यू प्लस आर है तो हम यहाँ लिखेंगे फोर क्यू प्लस का आर, और आर कैन हैव वैल्यू जीरो वन टू थ्री, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी और बी से छोटी यानी चार से छोटी ही रहेगी। सो ए बराबर क्या बनेगा, फोर क्यू भी हो सकता है, फोर क्यू प्लस वन भी होगा, फोर क्यू प्लस टू भी होगा एंड फोर क्यू प्लस का थ्री भी होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ऑड के बारे में बोला है, इवन के बारे में नहीं बोला। तो अब मुझे बताइए, हम जानते हैं कि यदि फोर क्यू में से दो कॉमन निकाल लिया जाए तो इसे लिख सकते हैं टू इंटू टू क्यू, इसमें से भी अगर हम दो कॉमन कर ले तो इसे लिख सकते हैं टू क्यू प्लस वन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दो इसमें से कॉमन आ रहा है मीन्स यह नंबर ऐसा बनेगा या इंटीजर जो कि दो से डिविजिबल भी होगा। तो यदि यह दो से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह हुआ ये नंबर और ये नंबर ए की वैल्यू क्या नहीं बनाएगा, ये ऑड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये टू से डिवाइड होने वाले नंबर क्या बना देते हैं, इवन कहलाएंगे। इसका मतलब यह हुआ हमने इसे इवन प्रूव कर दिया, तो जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही ऑड बन जाएंगे। तो हमें ऑड वाले को ही बताना था, तो हम लिख देंगे सो फोर क्यू प्लस वन एंड फोर क्यू प्लस थ्री इज द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कहता है फोर, सो डेट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट इफ एन बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए कहता है कि एन स्क्वायर माइनस वन से सॉल्व करने के बाद में यदि हम एन की वैल्यू को कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर में रखें तो यह नंबर अपने आप में आठ से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए पहले इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है इसे हम समझते हैं। एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर वन रखी, तो देखिए एन स्क्वायर यानी कि वन माइनस वन जीरो, और क्या ये जीरो एट से डिविजिबल है, बिल्कुल हो जाएगा। जब यहाँ पर एन की वैल्यू को टू रखते हैं तो देखिए फोर माइनस वन टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर इज फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री क्या आठ से डिविजिबल है, तो बिल्कुल भी नहीं। जब यहाँ पर वन रख लिया हमने यहाँ पर टू रखकर देखा, अब हम यहाँ पर थ्री रखकर देखते हैं, थ्री स्क्वायर इज नाइन, नाइन माइनस वन एट, यानी कि थ्री रखने पर तो डिविजिबल हो गया। फोर रखेंगे तो देखिए कितना बनेगा, फोर रखने पर फिफ्टीन आएगा, फोर क्या ये डिविजिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जब से ही हम यहाँ पर इवन वैल्यू को रख रहे हैं तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, और जैसे ही हमने ऑड वैल्यू रखी यानी कि यहाँ पे सेवन रख के देखें या फाइव रख कर देखें या थ्री रख कर देखें, जैसे हमने यहाँ पे थ्री पुट करा तो देखिए डिविजिबल हो गया, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नाइन माइनस वन एट, यानी कि आठ, आठ से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस फॉर्म में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किया जाए एन की वैल्यू यदि ऑड हो तो यह नंबर डिविजिबल हो जाएगा आठ से। अब हमें इसे प्रूव करना है। तो बेसिकली देखिए जो मैंने यहाँ पर कहा कि वन रख लीजिए, टू रख के देख लीजिए, थ्री रखिए, तो ये रैंडमली वैल्यू अब हम रख रहे हैं। तो अगर यह रैंडम वैल्यू हम रख रहे हैं तो इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लेके चलेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, या हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नो डैट, हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उसकी फॉर्म क्या थी, टू क्यू प्लस वन थी, बिल्कुल थी। इसके अलावा देखिए अगर मैं यहाँ पर टू क्यू प्लस वन से रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर। तो जब हम इसे आठ से डिवाइड करके दिखाएंगे तो हमारे लिए यहाँ पर वैल्यू को समझाना मुश्किल हो जाएगा, बाकी आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए जब हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ पर ऑड वैल्यू हमने क्या लिखी थी, टू क्यू प्लस वन। इसके अलावा जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो यहाँ पर देखिए हमने फोर क्यू प्लस वन भी लिखी थी, ये भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही था। और जब हम फोर को लिखेंगे फोर क्यू प्लस वन, एन की जगह पर जब हम फोर क्यू प्लस वन लिख देंगे तो बेसिकली यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आठ से डिवाइड होकर हम आसानी से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर चाहे आप इस वाली वैल्यू को ले लीजिए या फिर इस वाली को ले लीजिए, दोनों ही अपने आप में करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा जब हम नीचे वाली वैल्यू उसको लेकर दिखाएंगे, क्योंकि जब हम 8 से डिवाइड करके दिखाएंगे तो अच्छे से डिविजिबिलिटी यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगी। मान लीजिए मैंने पहले 2q प्लस 1 लिया तो n की वैल्यू सिर्फ 2q प्लस 1 ही होगी, क्योंकि देखिए अब n की वैल्यू यदि 2q प्लस 1 लेते हैं सो अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन पहला केस है n स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर,
माइनस का वन। सॉल्व करते हैं, देखिए फोर क्यू स्क्वायर प्लस का वन प्लस का फोर क्यू माइनस का वन, इससे तो ये कट गया। लेकिन अब ये जो नंबर रिप्रेजेंटेशन बनी, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल ये 8 से डिविजिबल तो है, लेकिन इसे यहाँ शो ऑफ करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर हम इसके अलावा यानी कि ये वैल्यू ना लेकर हम क्या ले लेते हैं, एन की वैल्यू को, ध्यान रखिएगा ये भी अपने आप में करेक्ट है, आप इस तरीके से भी लिख के आओगे तो गलत नहीं होगा आपका। लेकिन हम ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन उसे मानेंगे जब हम पूरी तरीके से 8 को वहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम एन की वैल्यू को 4q प्लस 1 और एन की वैल्यू को 4q प्लस 3 मान लें, सो एन स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 हमें दिखाना है, तो एन की जगह अब क्या लिखेंगे, 4q प्लस 1। तो पहला केस बनेगा बच्चे 4q प्लस 1 का स्क्वायर का, इसे हमें डिविजिबल बाय 8 दिखाना है। तो देखिए 16 स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 8q माइनस का 1 डिविजिबल बाय 8, 1 से 1 कट गया। अब देखिए पूरे नंबर में से क्या हम 8 कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आसानी से 8 कॉमन हो गया। इसका मतलब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाले नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एन स्क्वायर माइनस 1, जब हम सेकेंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4q प्लस का 3, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर लेंगे, माइनस 1 करेंगे और इस पूरे को डिविजिबल बताना हमें 8 से, तो यहाँ कितना बनेगा 16q स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 4 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 12 = 24, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। और ये हमें दिखाना है 8 से डिविजिबल होता है या नहीं। सॉल्व करेंगे 16q स्क्वायर प्लस का 24q प्लस का 8, कॉमन कर लेंगे 8, देखिए कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वाले वैल्यूज को लिया 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। बाकी हम 2q प्लस 1 से भी सही करके दिखा सकते थे, बस हमें यहाँ पर क्या लिखना होता, वहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन यह आई थी जब हमने इस वैल्यू को लिखा था। तो अगर मैं इसमें से 8 कॉमन निकालूं तो यहाँ पर वैल्यू 8 कॉमन तो आएगी लेकिन यह अपॉन में चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनेगी। इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर इस फॉर्म में ना लिखकर इस फॉर्म में दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 अलग से कॉमन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखा दिया कि एन स्क्वायर माइनस 1 जो है इन दोनों ही केस में 8 से डिविजिबल है, और यह 4q प्लस 1 4q प्लस 3 क्या थे, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स को निकालेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जो हमें इसमें समझना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखा हुआ है सो डेट, अब हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। सो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले इसे हम किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करके मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस का 1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन कहता है कि शो करके दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी, उसका यदि मैं स्क्वायर कर लूं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और अगर उसका स्क्वायर कर लूं, तो क्या हम उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी दो फॉर्म में आएगा, तीसरी कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब यह हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे 2, 3, 4, 5, 6, मैंने इसका क्या करना है, देखिए क्वेश्चन स्क्वायर कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ले लिया, स्क्वायर कर देते हैं 4, 9, 16, 25, 36। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है 3m की फॉर्म में, यानी इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितना बनेगा, 3 × 1 + 0 इसे करके देखते हैं, 3 × 3 + 0 इसे देखते हैं, 3 × 5 + 1 3 × 8 + 1 और 3 × 12 + 0। हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो भी नंबर आ रहे हैं यहाँ पर अपने आप 1 और 0 ही आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 वाली बात ही नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर कर भी देते हैं तो उसके बाद में उसका स्क्वायर जो फॉर्म बनाएगा वो 3m और 3m प्लस 1 ही बनाएगा, 3m प्लस 2 भी नहीं आएगी। तो ये ऐसा हमें, अब हमने समझ तो लिया लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, इसे देखते हैं। हम सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे, देखिए हम लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a हो गया हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि हमने यहाँ पर a की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले ली थी, और हम जानते हैं कि इस नंबरों को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3m 3m प्लस 1 की फॉर्म है, सो
वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। बात ध्यान से समझिएगा, इन नंबरों को हम 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इस 6 की बात करूँ तो 3 इंटू 2, 5 की बात करें तो 3 इंटू 2 प्लस का सॉरी 3 इंटू 1 प्लस का 2। तो ये स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, हम सिर्फ अभी इस वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं, ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमने ए की रिप्रेजेंटेशन समझी है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद फॉर्म में 2 नहीं आएगा, हमें ये दिखाना है। अब हम ए का करते हैं स्क्वायर। फर्स्ट केस लेते हैं, जब ए बराबर 3q है, इसका स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 9q का स्क्वायर। इस 9q में हमें 3 को अलग करना है, 3 को अलग करिए, बचा क्या, 3q का स्क्वायर। और इसी 3q स्क्वायर को हमने क्या नाम दे दिया, m का नाम हम दे देंगे। तो फॉर्म क्या बनेगी यहाँ से, ए स्क्वायर की जो फॉर्म बनेगी वह क्या बन के आएगी हमारे लिए, 3 से मल्टीप्लाई होने वाली बनेगी, यानी 3m यहाँ से आएगा। जब हम सेकेंड केस लेते हैं, a बराबर 3q प्लस 1, जैसे कि हमने यहाँ से जो नंबर लिए थे ये 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म के थे, हमने उनमें से एक और नंबर लिया, इसका स्क्वायर करते तो यहाँ पे देखिए 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6q आएगा। अगर हम इसमें से 3 कॉमन करते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q और ये 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पूरे को अगर हम m मान लें तो ये क्या बनेगा, 3m प्लस 1 की फॉर्म आएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, m मान लिया है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन किसे बता रही है, ये m को शो ऑफ कर रही है। तो m की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 3q स्क्वायर बन गई, यहाँ पर ये वैल्यू बन गई m की। हम बात करते हैं थर्ड केस की, जब हमने a की वैल्यू को कितना माना, 3q प्लस 2 माना, स्क्वायर करते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3 इंटू 2 इंटू 2 12q। अब अगर हम इसमें से 3 को कॉमन करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन होगा, लेकिन 4 में से 3 कॉमन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें इसमें से 3 प्लस 1 4 को लिख देना होगा। अब इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अगर हमने यहाँ से 3 को कॉमन लिया इस पूरे में से, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 और ये 1 अपने आप में यहाँ पर आ गया। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, m। तो देखिए हम देख रहे हैं कि हर एक बार में किसी को भी स्क्वायर कर लीजिए वह फॉर्म 3m प्लस 1 ही बना रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर समझा। हम यहाँ पर लिख देंगे, हैंस ए स्क्वायर यानी कि a इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस और 3m प्लस 1 वह इस फॉर्म में ही होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर क्यों 1, 2, 3 लिया, ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले इंटीजर माने हैं, तो ये इंटीजर हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले इन इंटीजर्स को हमने किस फॉर्म में मान लिया, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 की फॉर्म में मान लिया। हम इसे 2q और 2q प्लस 1 भी मान सकते थे, लेकिन वहां से हम 3 कॉमन करके नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हमने सिर्फ इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को लिखा है। इसके बाद अगर ये क्यूब कहता तो हम बिल्कुल क्यूब कर देते, अगर स्क्वायर कह रखा है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। इसके बाद वाला एक और भी क्वेश्चन है जिसमें कि हमें क्यूब करना है, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, उस क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछी जा रही है कि हमारा जो नंबर है उसे 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमें बताना है, कि यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब कर दे तो वो इस फॉर्म में आता है। एग्जांपल के लिए देखिए, 2, 3, 4, 5 क्यूब करिए 8, इसका क्यूब करिए 27, इसका क्यूब करिए 64 और इसका क्यूब करिए 125। क्या हम 8 को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो देखिए 9 इंटू, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इस फॉर्म में यहाँ पर हम लिखेंगे 9 की फॉर्म में, तो यहाँ पर ये तो ये वैल्यू छोटी बन जाएगी हमारे लिए, तो 2 का क्यूब यहाँ पर इतना बनेगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू शो ऑफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, तो पहले हमने किस फॉर्म में रखना है नंबर को, 3 की फॉर्म, तो 9 इंटू 3, अगर हम यहाँ की बात करें तो 9 इंटू 7 प्लस का 1, यहाँ पर भी बात करें तो 125 के केस में भी 9 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 9 वन जा 9 और यहाँ पे 3 5 आएगा, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 8, यानी कि 13 इंटू 9 प्लस का 8। तो हम देख रहे हैं जो फॉर्म आ रही है या तो वो 0 की आ रही है या 1 की आ रही है या फिर 8 की फॉर्म यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो वह इस फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 2 के केस में यहाँ पर शो ऑफ करके हम नहीं दिखा सकते हैं, इसका मतलब हमें जो नंबर की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लेनी है वो 3q वाली ही लेनी है। अगर हमने 3q वाली फॉर्म ले लेंगी
तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पर वन भी पुट करेंगे या जीरो भी पुट करेंगे तो दो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी फॉर्म को तो हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर टू क्यू वाली फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हमारा नंबर थ्री क्यू हो सकता है, थ्री क्यू प्लस वन होगा या थ्री क्यू प्लस टू। देखिए इसे हम थ्री क्यू लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, थ्री क्यू प्लस वन। इसे क्या लिखेंगे हम, थ्री क्यू प्लस का टू। यानी कि जो हमने नंबर लेने हैं वो तीन चार पाँच लिए, तो देखिए ये तीन चार पाँच को सॉल्व कर रहा है, छः भी होगा तो थ्री क्यू सिक्स की फॉर्म ही हो गई एक तरीके से। तो ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो गए, दो नहीं बना रहा है इसलिए देखिए दो इंक्लूड भी नहीं हुआ है इस केस में। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब कर देना तीनों का। जब हम इनमें तीनों के क्यूब को कर देंगे, इसके बाद में हमें इसमें से नाइन को कॉमन करना है, तो इसके अलावा बस यही फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए प्लस का नाइन, तो हम इस नाइन को एट प्लस वन भी लिख देंगे, सॉरी यहाँ टेन आ जाए तो हम इसे नाइन प्लस वन भी लिख देंगे और नाइन फिर यहाँ से कॉमन कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर फोर में थ्री प्लस वन कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में समझते हैं इसके अलावा क्वेश्चन जो कि इसके एक्सरसाइज में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है। बाकी सभी क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर बोलता है तो स्क्वायर करिए, बस ध्यान क्या रखना है कि नंबर इस फॉर्म में होने चाहिए। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के अकॉर्डिंग हमें पहले से ही फ्रेम कर लेना है कि हमें रैंडम नंबर मार्क कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद ही हम जाकर इसे अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन कहता क्या और इसे किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर ए प्रूव डेट, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का मैं इसमें से एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। प्रूव डेट इफ अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि वह किस फॉर्म का, इज ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस फाइव फॉर्म का कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि यह नंबर किस फॉर्म का भी हो सकता है, तो यह नंबर इस फॉर्म का भी हो सकता है, यानी कि थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्म में भी इस नंबर को हम यहां पर लिख सकते हैं। फॉर सम इंटीजर क्यू, फॉर सम इंटीजर क्यू बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट नॉट कन्वर्सली, यानी कि उल्टा अगर ऐसा हो जाए तो नहीं, ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें इस मतलब को समझना है, फिर हम बाकी की बात करेंगे। बेसिकली क्या कहता है इसे समझते हैं। जैसे कि वो ये कहता है कि मैंने कोई एक नंबर लिया, मान लेते हैं कि मैंने 35 एक नंबर को ले लिया, 35 मैंने यहाँ पर लिया, क्या मैं 35 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो करके देखते हैं। 6 इंटू 5 प्लस का 5, बिल्कुल हमने इस फॉर्म में लिख दिया। क्या मैं 35 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3q प्लस 2, तो देखिए 3 इंटू 12, सॉरी 12 तो आएगा नहीं, 11 आएगा, 3 इंटू 11, तो 3 इंटू 11 33 प्लस का 2। तो बेसिकली जो नंबर इस फॉर्म का है उसे हम इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं 47। अब मैंने यहाँ पे 47 इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे 6q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस का 5, देखिए 7 6 42 प्लस 5 47, बिल्कुल। तो क्या इस फॉर्म में लिखने वाला नंबर को क्या हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए 15 प्लस का 2, बिल्कुल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3q प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अब वो कहता है कि क्या कन्वर्स ट्रू है। अब इस कन्वर्स को समझ लेते हैं कि कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स का मतलब अगर हम उल्टा लिख लें तो क्या यह ट्रू है या नहीं, इसे अब हम समझते हैं। मान लेते हैं मैंने 11 लिया, अब 11 को अब हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 3 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या ये 3q प्लस 2 की फॉर्म में, बिल्कुल हो गया। तो क्या इस नंबर को हम 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 6 हो जाए 6 और 5 11, तो देखिए यहां पर इस नंबर को हम इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया कि हाँ हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 1 ही ले लिया, अगर हमने यहाँ पर 1 को ही ले लिया, तो यानी कि 3 इंटू 1 प्लस का 2, तो 3 इंटू 1 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 2 यानी कि 5। क्या हम 5 को 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 इंटू 0 प्लस का 5। तो हम देख रहे हैं कि कन्वर्स भी यहाँ पर ट्रू हो रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नंबर लेकर देखें, आप कोई और नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 14 ले लिया, अब देखिए क्या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 12 प्लस का 2 14, तो क्या इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 12 प्लस का, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 6 इंटू 2 12 बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर तो केस सेटिस्फाई हो गया, यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इस केस में यह सेटिस्फाई नहीं हुआ।
यानी कि कन्वर्स तो जो पहले हमने जो पढ़ा था वो तो हमेशा ट्रू होगा, लेकिन उल्टा ऐसा ट्रू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने यहां पर यह चीज समझनी है कि ऐसा ट्रू होगा भी या नहीं होगा। सो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे इसे अब हम देख लेते हैं। हमें इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना इस पर अब हम आते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या रहेगा, लेट करेंगे, लेट एन बराबर 6q+5 वेयर क्यू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और हम जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी कि क्यू की फॉर्म क्या होगी, इस फॉर्म में यह नंबर रहेगा या नहीं। तो देखिए हमें इस फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, लेकिन हमें यहां पर क्यू को सपोज नहीं करना। जो हम यहां पर सपोज करेंगे अपने इंटीजर, यानी कि यहां पर जो हमें नंबर को सपोज करना है, जो फॉर्म हम लेंगे एन की, वो एन किस फॉर्म में रहेगा, जो हमारा क्यू किस फॉर्म में रहेगा, 3k 3k+1 एंड 3k+2 इस फॉर्म के हमने यहां पर नंबर ले लिया। यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हमने यहां पर कर दिया। यानी कि जो मैं यहां पर 11 ले रहा था, 5, 14, 17, 47 इस तरीके से जो नंबर लिए थे उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिख दिया 3k 3k+1 एंड 3k+2। अब हमें क्या करना है, क्यू की जगह पर इन सभी वैल्यूज को पुट अप करना है और इसे इस फॉर्म में लाकर दिखाना है। सो देखिए हम इसे किस तरीके से इस फॉर्म में लाएंगे। सो यदि इफ क्यू बराबर 3k है, देयरफॉर एन बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 3k+5। तो यहां से कितना बनेगा, तो देखिए यहां से बनेगा 18k+5, लेकिन मुझे नंबर दिखाना है 3q+2 की फॉर्म में। तो क्या मैं इसमें से 3 कॉमन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 मैंने यहां से कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा 6k+, अगर इस 5 को लिख दें 3+2, तो देखिए मैंने यहां से 3 कॉमन कर लिया, 1+2। अब देखिए ये पूरा क्या बना देगा, ये पूरा अपने आप में क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल 3q+2 की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ये आ गया नंबर। अब हम करते हैं दूसरे नंबर की बात। हमने लिया क्यू बराबर 3k+1 और हमने एन की जगह पे पुट करना है, तो 6 × q+5 है, तो क्यू की जगह पर ये वैल्यू आ गई, प्लस का 5 हमने यहां पर लिख दिया, यानी कि 6q+5 की जगह पे ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन करना है, क्योंकि हमें जो फॉर्म दिखानी है वो 3q+2 दिखानी है। तो सबसे पहले ये बनेगा 18k+6+5, 11 बनेगा, 11 को हम लिख देते हैं 9+2। देखिए 6+5 11। अगर हम इसमें से 3 कॉमन करें तो देखिए 6k+3+2, अब यहाँ पर ये बन गया हमारे लिए q। तो बिल्कुल हमने इस फॉर्म में भी नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। हम अगले की बात करते हैं 3k+2 की, तो देयरफॉर अब n बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 3k+2 और +5, क्योंकि हमारा जो नंबर था वह था 6q+5 की फॉर्म में और q हमने मान लिया 3k+2 को। 18k+, देखिए 6 × 12+5 12+5 17 बनेगा, इसे लिख देते हैं 15+2। क्या अब हम इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल अब भी हमारा यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा और ये अगेन 3m+3q+2 की फॉर्म बन गई। यानी कि हर केस में 3q+2 की फॉर्म बन रही है जब हमने जो नंबर लिया वह 3k 3k+1 3k+2 की फॉर्म में लिया। लेकिन हमने यह देखा कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, हमें दिखाना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट करने का मतलब यह हुआ कि अब नंबर हम जो लेंगे वह एन, अब हम किसे मानेंगे, 3q+5 को एन मानेंगे और हमें जो शो ऑफ करना है वह करना है 6q+5 की फॉर्म में। यानी कि अब हमारे लिए क्वेश्चन बदल जाएगा। तो अब हम इसका उल्टा निकाल लें, जैसा कि हमने उल्टे में देखा कि ऐसा हर बार ट्रू नहीं आ रहा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3k 3 × 3k+5। तो अब हम देख रहे हैं 9k+5, तो क्या इसे हम 6q+5 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाए, हम तो पहली बार में यहाँ पे फेल हो गए। अब हम चलते हैं दूसरे वाले केस पे। तो देखिए 3q+5 इसी फॉर्म में, सॉरी 3q+2 था यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 लिखा, अगेन यहाँ पर 2 लिखा, तो अब भी हमारे लिए ये सिचुएशन फेल्ड होगी, क्योंकि हमने देखा 14 एक ऐसा नंबर है जिस केस पर जाकर ये वैल्यू फेल हो रही है। तो हमने यहाँ पर पाया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा हर एक बार में। हम इसे देखते हैं, अब हम रख देते हैं 3k+1, 3 ब्रैकेट में 3k+1 और +5। अब सॉल्व करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ आएगा 9k+3 और 5 8 हो गया,
क्या हम इस केस में भी 5 को कॉमन कर पाए? तो हमने देखा कि इस केस में भी 6q+5 यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं। थर्ड केस की बात करते हैं, 3k+2 की। थर्ड केस है हमारा यहाँ पर भी 2 ही आना था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अगेन यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इस केस की बात करते हैं, 3 ब्रैकेट में हमने 3k रख के देख लिया, 3k+1, अगर हम यहाँ पर 3k+2 रख कर चेक करते हैं तो क्या इस बार यह सेटिस्फाई होगा? तो यहाँ पर तो 5 बनेगा। अब हम देखते हैं 9k+6 और 2, तो देखिए 3 × 2 = 6 और 2 = 8 हो जाएगा। तो अगेन हम देख रहे हैं इस केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, यानी कि जब हमने यहाँ पर 6q+5 को लिया तो हर एक केस में हम 3q+2 की फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन जब हमने इसका कन्वर्स करा तो हम यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाए। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कन्वर्स ट्रू होता है या नहीं, बट नॉट कन्वर्स ली, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि कन्वर्स वाली चीज़ ट्रू नहीं है। अगर यह ट्रू होती तो इसे भी हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते? 6q+5 की फॉर्म में कहीं ना कहीं इसे हम रिप्रेजेंट कर देते। तो इस तरीके से इसको प्रूव करिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, और वो नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए? 5q+1 की फॉर्म का यदि कोई नंबर होता है, और अगर हम इसी नंबर का स्क्वायर कर दें तो कोई ना कोई तो नंबर बनेगा, उसकी फॉर्म भी 5q+1 ही रहेगी। इसे प्रूव करना है, तो एग्जांपल लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें 1 पुट करा तो 6 आएगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 36 आएगा। 6 है, 6 का स्क्वायर 36, क्या 6 को हम 5q+1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। स्क्वायर वाली टर्म की बात करें तो देखिए क्या इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? तो इसे भी इस फॉर्म में लिख दिया गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो 5 × 2 = 10+1, 11 नंबर लिया, 11 को लिया, क्या 11 को लिखा जा सकता है 5 × 2 + 1? बिल्कुल। स्क्वायर कितना आएगा? 121, क्या 121 को लिख सकते हैं हम? तो 5 × यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर बनेगा हमारा 5 × 10 = 24, और प्लस का 1, तो क्या हमने इसे भी 5q+1 की फॉर्म में लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। तो यानी कि किसी भी नंबर जो कि इस फॉर्म का हो, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो अगेन यही फॉर्म आ जाती है। तो अब हमें इसे क्वेश्चन को कैसे लिखना है? सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और क्वेश्चन में बी की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए 5। सो हमारे लिए जो नंबर रहेंगे वो हम मानेंगे 5k, 5k+1, 5k+2, 5k+3, 5k+4। क्या हम 5k+5 लिखेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। देखिए इस टाइप के नंबर हैं, अगर हमने यहाँ पर b की वैल्यू को 5 लिया है, तो अब हमारे पास में जो इंटीजर्स हो जाएंगे वो 5k, 5k+1, 5k+2, 3, 4, 5 यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन हमें जो नंबर मानना था वो 5q+1 था, यानी कि हम इसको 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 और इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमें सिर्फ इसकी लेनी है। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर करा, स्क्वायर करने पर कितना आएगा? देखिए 25k² + 1 + 10k। अगर मैं इस पूरे में से 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5k² + 2k, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1। ये वैल्यू अपने आप में q को रिप्रेजेंट करेगी, हमारा नंबर बन जाएगा 5q+1 के बराबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, प्रूव करिए कि n³ - n जो है वो डिविजिबल बाय 6 होगा या नहीं। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था n² - 1 इस टाइप के से था, जिसमें कि हमें 8 से डिविजिबल उसे दिखाना था। ठीक उसी तरीके से इस फॉर्म वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिए n³ - n की अगर हम बात करें तो n कैन हैव एनी वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो हम ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास में 3 वैल्यू आ जाती हैं, थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो देखिए एक क्वेश्चन हमने ऐसा वाला भी किया था जिसमें हमने 1 और 3 वाली वैल्यूज को भी रखा था। देखिए आप किसी भी वैल्यूज को रखकर इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से 6 को कॉमन भी करके दिखाना है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में 3q को ले भी लेता हूँ तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी? 3 × 3³ = 27, q³ - 3q। तो क्या हम इसमें 6 को कॉमन दिखा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। 4 को लेके देखते हैं तो भी हम यहाँ से नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब जो हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल लेना है, लेकिन जब हम इस फॉर्म में नहीं दिखा पा रहे तो कौन से नंबर लें? तो बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर बच जाता है
जिसे लेने पर हमारे पास में जो फॉर्म आएगी वह इस तरीके से आएगी कि हम यहाँ से 6 को कॉमन कर सकें। देखिए अगर मैंने 6 क्यूब ले लिया तो अगर मैं इसका क्यूब करके करने की बात करूँ तो 216 क्यू का क्यूब माइनस का यहाँ पर आ जाए 6 क्यूब। अब यहाँ से 6 कॉमन करना मेरे लिए आसान हो गया है क्योंकि हमें यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी दिखानी है, इसलिए हम इन तीनों केसों के नंबर को ले तो सकते थे लेकिन क्योंकि 6 से डिविजिबल दिखाना है इसलिए हम इसे नहीं 6 क्यू वाले ही नंबर को अपना वह नंबर मानेंगे जिसे हम बार बार इसमें पुट करके सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमने कॉमन कर दिया तो इसलिए इसका मतलब यह नंबर इस फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना था। इसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। अगर इस चैप्टर में यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।